केएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो हम आए हैं नवसारी जिला के पुलिस सलाहकार कमेटी मेंबर और किसान मोर्चा के उप प्रमुख आशीष भाई से बात करेंगे, जो काफी दिनों से खैरगम और अलग अलग गाँव में सेवा दे रहे हैं, तो हम उससे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा विलेज है खैरगम तालुका, और खैरगम तालुका के आजू बाजू में जो सब गरीब लोग हैं, सामान्य वर्ग है, इन लोगों को हम लोग 15 दिन से सेवा कर रहे हैं। और खैरगम चित्री सब जगह रात को 12 बजे हम पुलिस मित्रों के साथ भी सेवा कर रहे हैं इन लोगों को, और नवसारी जिले में सब पुलिस लोगों को खाना बना रहे हैं, वहाँ भी हम लोग सहकारी भेज रहे हैं। हम लोग ऐसा पहले हम लोगों ने सबको अन्न दिया, और बाद में हम सब लोगों को सबको अभी इस वक्त साथ पाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा दिन के लोग हम लोगों का दूसरा इजारा है, सब लोगों को बिस्किट बांटने वाले हैं, सब घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे बिस्किट खा सकते हैं, इसलिए 15 दिन से हम लोग ये मैं 2-3 दोस्त सब लोग साथ में मिल के इन लोगों को लिए सब मतलब हमारा आदिवासी विस्तार है वहाँ सेवा कर रहे हैं। मेरा खैरगम तालुका गाँव है, जामनपाड़ा है, गौड़ा है, फिर वास्ता विस्तार में भी हमने थोड़ी चीज भेजी है, सब जगह जैसे हो सके हम लोग सेवा रोज करते हैं। आज भी अभी सेवा करके आए हैं और अभी हमारी सेवा चालू है, और भगवान को हम प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द हमारा भारत कोरोना से मुक्त हो जाए। नवसारी जिला प्रशासन, जिला सरकार, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सफाईकर्मी, इन लोगों को बहुत अच्छी सेवा दे हम को दे रहे हैं। और जो पुलिसकर्मी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो सबको बोलता हूँ कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, और पुलिस को सरकार दो। साथ में मीडियाकर्मी अपनी अपनी जान जोखिम में डाल के घूमते हैं और सबको अच्छे अच्छे न्यूज़ देते हैं और अच्छी रिप्लाई देते हैं सबको घर में रहने के लिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि सबको अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, और पुलिस को सरकार दो। जय हिंद। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए केएम न्यूज़ टीवी चैनल को। रिपोर्टर सूरज पटेल के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात वलसाड़।